काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि आप अपने टेरेस पे वेजिटेबल्स क्यों नहीं ग्रो करते हो। बिल्कुल, मेरा भी मन करता है कि मैं काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगाऊं अपने टेरेस पे, लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं वेजिटेबल्स ग्रो करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ। हालाँकि मन मेरा भी होता है कि मैं वेजिटेबल ग्रो करूँ। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ वेजिटेबल्स मैंने लगाई भी हैं, वो भी दिखाऊंगी। और ये जो आप क्लिपिंग देख रहे हो, ये कल का है। कल मेरे टेरेस पे काफ़ी सारे मंकी आए। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि मंकी आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, प्लांट्स ख़राब करके जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप बहुत प्यार से कुछ लगा रहे हो और इस तरीके से कोई तबाही मचाए तो कैसा लगेगा। और अभी तो ये सिर्फ प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉर्मल ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, वेजिटेबल्स प्लांट्स नहीं है। उसके बावजूद ये हाल है। तो आप सोचो, अगर मैं वेजिटेबल्स ग्रो करूँगी तो वो क्या हाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप इतने प्यार से एक एक पौधा लगाओ और बेवजह ही उन्हें इस तरह से तोड़ा जाए। बिल्कुल, मेरा तो कल पूरा दिन मैं अपसेट थी, बिल्कुल मन ख़राब था मेरा। देखिए आप कितना नुकसान करके गए हैं, पॉट्स कहीं पे पड़े हैं। और देखिए यहाँ पे ये मैं लिक्विड कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो रेडी करती हूँ, उनके डब्बे गिरा के गए। इस वाले मेरे रोज़ प्लांट पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं आप लोग के साथ शेयर ही करने वाली थी कि प्रूनिंग के बाद का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। यहाँ पे 3-4 कलियाँ भी थी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर भी खिला था। मैंने एक क्लिपिंग भी ली थी उसकी, छोटी सी, अभी भी एक छोटी बर्ड है इसमें। तो इस तरह से वो तोड़ के गए हैं। देखिए काफ़ी कुछ मैंने किया है, ये इस तरह का केस बनवाने के बाद भी ये ऊपर से देखिए कांटे रखे हुए हैं। ये कांटों वाले प्लांट्स हैं, बबूल के प्लांट है शायद, ये मेरे हस्बैंड लेके आते हैं और इन्हें मैंने लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से हाथ डाल के और जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उन्हें खींच लेते हैं और फिर उन्हें प्लांट्स को तोड़ देते हैं और बास्केट्स भी नीचे गिरा देते हैं तो वो टूट जाते हैं। आप देखो, गौर करो आप कि मैंने किस तरह से हैंगिंग बास्केट्स हैंग की हुई हैं। देखिए मैंने वहाँ पे सीधा नहीं हैंग किया हुआ है, ऊपर से एक पहले रस्सी बांधी हुई है उसके बाद हैंग किया है ताकि ये काफ़ी नीचे हो जाए और उनके हाथ ना पहुँचे। तो इतना ज़्यादा मुझे परेशानी होती है इनकी, मंकियों की वजह से। बट क्या कर सकते हैं, देखिए ये इतना गैप है सिर्फ, ये काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा है। यहाँ से वो अपने हाथ डाल के भी प्लांट्स को ख़राब करते हैं और यहाँ पे देखिए ये इसे भी हटा के गए हैं। तो काफ़ी उद्दंड मचाते हैं ये, एक साथ जब आ जाते हैं ना। यहाँ से देखिए पेंडानस का प्लांट निकाल के गए हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी शेयर किया था। अभी तो क्या होता है कि जितने प्लांट्स मेरे फ्लावरिंग पे रहते हैं, मैं जिन्हें बचाना चाहती हूँ तो उन्हें अंदर कर देती हूँ, ये जो बनवाया हुआ है आयरन का केस जैसे, तो मेरे सारे प्लांट्स सेव रह जाते हैं। और फिर भी इतनी जगह नहीं होती है, मुझे टेरेस पे और भी प्लांट्स रखने होते हैं। तो मैंने काफ़ी प्लांट बाहर रखे हुए थे जो, तो वो अब वो रिस्क पे ही रहते हैं, उनको अक्सर मंकी ख़राब करके ही जाते हैं। यहाँ पे मैं साथ के साथ अपने फ्लावरिंग का भी आपको दिखाती जा रही हूँ कि कौन कौन से फ्लावर मेरे गार्डन में खिल रहे हैं इस समय। मैं जरबेरा का दिखा रही हूँ। जरबेरा में देखिए 3-4 कलर है मेरे पास और सब में अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये क्रिसैंथेमम है, ये लास्ट ईयर बिल्कुल ही अलग था और इस बार इसमें अलग से फ्लावर आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। और ये छोटा सा रोज़ एक और पिंक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा खिला है, अभी पूरा नहीं खिला है। मैं वीडियो के आगे आपको कल का, आज का क्लिपिंग भी दिखाऊंगी, ये कल का है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी कलियाँ। तो ये मेरे रोज़ प्लांट जो है ये अंदर रखे हुए हैं और वो एक ही मेरा बाहर रखा हुआ था और उसमें फ्लावर भी आया था। तो अभी काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि नहीं आ रहे थे मंकी, तो मैंने बिंदास प्लांट्स रख दिए थे बाहर। तो अभी बस वही, मैं अब इनको अंदर करूँगी। अभी भी कुछ प्लांट जो मेरे ऐसे हैं
और ये वाले रोज़ प्लांट पे देखिए ये भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने जब इनकी प्रूनिंग और ये किया था रिपोर्टिंग, तो इस वाले पॉट को भी मैंने बाहर ही रख दिया था काफ़ी दिन तक, तो पूरा जो है मंकी इसे हिला के गए थे, फिर मैंने इसे दोबारा लगाया था, इसलिए इसमें ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुई है और ये फिर भी बच गया है प्लांट, इसमें अभी नई पत्तियाँ आई हुई हैं। मुझे तो लग रहा था ये चला जाएगा। और ये कुछ फ्लावर्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गार्डन के जो अभी खिल रहे हैं, ये गेंदे के हैं, काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग होती है। ये मेरे प्लांट जो है रेनी सीज़न से बने हुए हैं और इनमें काफ़ी सारे, मैं इनसे काफ़ी फ्लावर लेती रहती हूँ, उसके बाद भी आप देखिए काफ़ी बर्ड्स हैं और ये प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब होंगे। मेरी गोल्ड के एक ही प्लांट बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं और इसीलिए इन्हें बैचेस में लगाना चाहिए। आपके एक प्लांट अगर पुराने हो रहे हैं तो आपको दूसरे भी प्लांट लगा लेने चाहिए। मैंने भी लगाए हैं कुछ, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाए हैं क्योंकि इतनी जगह ही नहीं होती है मुझे, एक रूम के जैसा ही ये बना हुआ है, वहाँ पे ही मुझे सारा रखना होता है जो कि मंकी जिन्हें ख़राब करते हैं, और उनका कोई भरोसा नहीं है, वो सारे ही प्लांट्स को ख़राब करते हैं। तो फ्रेंड्स यही वजह है जिसकी वजह से मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स तो नहीं ग्रो कर पाती हूँ, लेकिन मन है मैं करूँगी। ये मैंने और मेरे बेटे ने जो लगाए थे उस दिन, ट्रांसप्लांट किए थे प्लांट्स, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। टोमेटो भी ये मंकी के द्वारा तोड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे डहलिया के काफ़ी सारे प्लांट रेडी हो चुके हैं और देखिए मैंने बीट रूट्स लगाए हैं। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं बीट रूट लगाऊं, तो मैंने लगाया हुआ है इन्हें भी, अभी ये जब तक चले। यहाँ पे मैंने गाजर भी लगाई हुई हैं और सब कुछ मैं अंदर नहीं रख पाती हूँ क्योंकि कम जगह है वहाँ पे और ये काफ़ी सारे मेरे पास प्लांट हैं। यहाँ पे मैंने लाल भाजी लगाई हुई है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, तो अभी उनमें अच्छे से प्लांट हो गए हैं थोड़े बड़े। यहाँ पे मैंने पोटैटो लगाए थे और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए थे और मेरा मन हो रहा था कि मैं लगाऊं, तो यहाँ से निकाल निकाल के वो खा के गए, बट ठीक है। कल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इट्स ओके, ये उनके हक का होगा और मैं सिर्फ जरिया हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं लगाती तो मेरे किचन से उन्हें कैसे मिलता, मतलब बस कुछ इसी तरह से मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको देती हूँ अब अपडेट अपने गार्डन का। यहाँ पे देखिए डहेलिया का एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर खिला है जो कि काफ़ी छोटा है, वैसे इसमें काफ़ी बड़े आते हैं फ्लावर। और ये हमने जो कटिंग लगाई थी डहेलिया की, मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ था, ये वो है। और इसकी एक बार मैंने यहाँ से पिंचिंग भी की है और एक और प्लांट, एक और कटिंग यहीं कहीं पे है, ये है, ये कटिंग भी डहेलिया की है। और ये मेरे गिलेडिया के प्लांट्स ख़राब तो हो चुके हैं, मतलब प्लांट थोड़े अच्छे नहीं हैं लेकिन फ्लावरिंग अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए सनफ्लावर के प्लांट्स निकल आए हैं काफ़ी सारे, तो इन सबको मैं अब रिपोर्ट करूँगी। लास्ट ईयर भी मेरे गार्डन में काफ़ी सारे आपने सनफ्लावर देखे होंगे और मैं कभी इनके सीड्स लगाती नहीं हूँ, खुद से निकल आते हैं प्लांट। ये मेरे सारे ही सीड्स वाले प्लांट जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, ये देखिए थोड़े थोड़े अब बड़े हो गए हैं और मैंने इन्हें फाइनल पॉट में डाल दिया है। ये डहलिया की कटिंग जो हमने लगाई थी वो है यहाँ से पिंच करके और मैंने इसी पॉट में यहाँ पे लगा दिए। ये देखिए तो ये एस्टर का है और ये भी, इसमें अभी फ्लावर नहीं आया है। और ये देखिए रोज़, ये अभी बड़ा हो गया और पिटूनिया में भी काफ़ी कलियाँ आ रही हैं। दो प्लांट मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उनके फ्रेंड ने दिया था। और यहाँ पे मेरे क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं जो कि थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं, अब इनमें बडिंग भी स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी मैंने पिंच कर दिए ताकि थोड़े और बड़े हो जाएं, तो अब फिर मैं इनसे फ्लावरिंग लूँ क्योंकि मैंने लेट ग्रो किए थे इस बार और मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए केल के प्लांट है, जो हमने पर्पल वाले केल के प्लांट सेपरेट किए थे, अभी ये थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे पिटूनिया की भी कुछ सीड जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की थी वो है, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। और
आज मेरी गार्डन में मेरे बेटे का फ्रेंड आया हुआ है, तो देखिए ये नमन मेरा बहुत खुश है, अपने फ्रेंड को ये फाउंटेन दिखा रहा है। छोटा सा ही सिंपल सा ही फाउंटेन है, बट बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कुछ इस तरह का देखने में। तो वो उसे पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा है कि कैसा है क्या है। और ये देखिए जो मंकी पॉट तोड़ के गए थे, तो मैंने इसे अब दूसरे पॉट में डाल दिया। बोगनवेलिया मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है। और ये फ्रेंड्स, जब मैं कलांचू वाले प्लांट पे मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने एक लीफ से प्रोपगेशन बताया था, तो ये वही पॉट है अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। और ये लीफ भी देखिए बड़ी साइज़ का हो गया है, मुझे ये देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यकीन मानिए मैंने इसका कोई केयर नहीं किया है, मैंने इसे जस्ट साइड में छोड़ दिया था। कभी कभी मैं इसमें पानी दे देती हूँ, बिल्कुल कभी कभी, जब भी मुझे सामने दिख जाता है। तो अब उसमें नीचे से आपने देखा कि शूट निकल आया है, तो काफ़ी इजीली कलांचू की कटिंग्स लग जाती हैं। और जो प्लांट हमने सेपरेट किए थे, आपको मैं इनमें बडिंग दिखा रही हूँ, बस इनके खिलने की देरी है, ये पूरे रेडी है। अब धीरे धीरे करके ये सारे खिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।